बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यानी कि मुंतका जजान रीजन, तो इन्हीं इलाकों में कुछ ऐसी वारदातें भी होती हैं जो कि काफ़ी हैरानकुन होती हैं। इन्हीं में से एक यहाँ पर आप साथ में शेयर करता हूँ, कुछ वीडियो पिक्चर भी उसके मतलब आपको दिखा दूंगा जी, जिनमें 26 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छा, कुछ आपको यहाँ पर बता दूं मैं, जो अनलीगल तरीके से सऊदी अरब में एंट्री और सऊदी अरब से जिन बंदों को निकाला जाता है वो भी इन्हीं एरियाज में, यानी कि इन्हीं पर यहाँ पर बॉर्डर लगता है, यमन का काफ़ी बड़ी एक रकबा है उसका, तो यहीं से ये सारे काम किए जाते हैं। तो बहरहाल आज की न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत से वाकयात ऐसे भी होते हैं जो आदमी सुनता है, देखता है, सुनता है, जो उनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। जो आदमी अपनी आंखों से देखे उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। मैंने हाल ही में एक बात सुनी है कि अगर यहाँ से 50 किलोमीटर दूसरी तरफ चले जाएं तो वहाँ से एक जो कार्टन होता है जी पूरा सिगरेट का, वो मिलता है 500 रियाल का, और आप अगर यहाँ पर लेकर आ जाएं और यहाँ पर बिकता है वो 5000 रियाल का। तो मैं सुनकर हैरान था, यानी कि 4500 रियाल, 4500 रियाल का सिगरेट के कार्टन के पीछे। तो बहरहाल चलो होता होगा ऐसा, मैंने सुना है जी, मैंने बोला चलो आपके साथ भी ये बात शेयर कर दूं। बहरहाल इस न्यूज़ के मुतालिक जो बात है जी, 161 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है। 26 अफराद तो पकड़े गए हैं लेकिन इनके पास से सऊदी जो आर्मी है इनकी अस्करी जिसे बोल रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर अस्करी ही घूमती है, तो 161 किलोग्राम चरस इनके पास से पकड़ी गई है। और अगर बात करें घात की, घात क्या है जो ये मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर कुछ बंदों के मुंह में ना, इधर उनके ऐसे गाल ऐसे बाहर निकली होती है, तो मेरे दोस्त उनको बता रहे थे ये घात खाते हैं, घात के घात ऐसा कोई नाम उसका लेते हैं, वो बूटी होती है जी एक सब्ज कलर की, तो उसको खाते हैं बस। तो बहरहाल वो खुश्क होती है जी, सुना है जी। तो 26.3 टन जी, टन की बात कर रहा हूँ मैं, मन की बात नहीं कर रहा हूँ, 26.3 टन भाई घात भी पकड़ी गई है। 26 अफराद पकड़े गए हैं, 26 टन ही घात पकड़ी गई है, और 161 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है इनके पास से। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सऊदी अरब के सोशल मीडिया के ऊपर इससे काफ़ी भाई मैंने देखा है इसकी वीडियो, इसकी पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है। तो मुंतका जजान के एरिए में ही ये भी कार्रवाई की गई है। हालांकि इससे पहले मैं एक अबू अरीश में जो कि यमनी को गिरफ्तार किया गया था काफ़ी ज़्यादा रियालों 2.5 मिलियन रियाल के साथ, वो वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ।